तो प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड घोटाला मामले में पहला आरोप पत्र दाखिल कर दिया है जिसमें चार लोगों के नाम शामिल हैं। दिल्ली जल बोर्ड टेंडर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पहली चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने जल बोर्ड के पूर्व मुख्य इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा, ठेकेदार अनिल कुमार अग्रवाल, एनबीसीसी के पूर्व महाप्रबंधक डीके मित्तल, तेजिंदर सिंह और एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को आरोपी बनाया है। ईडी ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड के एक ठेके में भ्रष्टाचार करके पैसा जुटाया गया और आम आदमी पार्टी को कथित तौर पर चुनावी फंड के रूप में भेजा गया। इस मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा था, लेकिन वो उसके समक्ष पेश नहीं हुए। साथ ही ईडी ने मामले में केजरीवाल के करीबियों पर भी छापेमारी की थी। ईडी ने इस मामले में 31 जनवरी को जगदीश अरोड़ा और अनिल अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने दावा किया कि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके ठेका हासिल किया। हालांकि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ईडी के आरोपों को इनकार करती आ रही है। तो अब आम आदमी पार्टी कई आरोपों में घिरती जा रही है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं जहां से वो सरकार चला रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल ऐसे पहले मुख्यमंत्री नहीं है जो कि जेल से सरकार चला रहे हैं। आपको बताएं, इससे पहले जयललिता और लालू यादव खुद भी ऐसा कर चुके हैं। हालांकि आरोप अगर साबित हो जाता है तो मुख्यमंत्री को जरूर इस्तीफा देना पड़ेगा। अब आगे इस मामले में क्या होता है ये जरूर देखना होगा।